लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक बटन दबाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सबसे जरूरी, अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो भाई हम रतलाम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। भाई स्टेशन देखने में तो बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी बहुत ही सुंदर है। लाइटिंग देख के तो ऐसा लगता है ब्रदर ये किसी इंडियन रेलवे का रेलवे स्टेशन नहीं, किसी राजा का पैलेस है। क्या बात है, यहाँ तो मंदिर भी है, भगवान शिव का मंदिर, साईं बाबा का मंदिर, बाबा शिव कृपा बनाए रखे हम पर और हमारे चैनल सब्सक्राइब करने वालों पर भी कृपा बनाए रखे। और आपको यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए टैक्सी की भी सुविधा उपलब्ध मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से मार्केट, रतलाम मार्केट या किसी रतलाम सिटी में जाना चाहें तो उसके लिए आसानी से आपको यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी। और कुछ ही आगे चलते हैं, देखते हैं। वाह, यहाँ पर ट्री पर देख रहे हैं दोस्तों आप, ट्री पर कितने सारे पैरोट बैठे हुए हैं। वाह, ये लोग भी पेड़ों की छाँव में ठंडा ठंडा मज़ा ले रहे हैं। वाह, कितना बढ़िया नज़ारा है, देखिए कितने सारे पैरोट, बाप रे बाप कितने सारे। ओ चलते हैं अब आगे देखते हैं। ओहो, नेशनल फ्लैग, ओ नेशनल फ्लैग। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये नेशनल फ्लैग उसी रेलवे स्टेशन पर लगता है जिस रेलवे स्टेशन को A1 कैटेगरी में रखा जाता है। तो रतलाम को भी A1 कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए यहाँ पर इस नेशनल फ्लैग को लगाया गया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये नेशनल फ्लैग की हाइट 100 फीट अप्रोक्स होना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा सुंदर नेशनल फ्लैग यहाँ पर लहरता हुआ दिखाई दे रहा है। और सैल्यूट है मैं हमारे देश की शान तिरंगे को, जय हिंद। दोस्तों चलते आगे। यहाँ पर काफ़ी सुंदर स्टैचूज भी बनी हुई है। यहाँ पे जो है कि मैकेनिकल स्क्रैप्स का यूज़ कर ये काफ़ी सुंदर स्टैचू बनाई गई है। और उन्होंने अपने आर्ट्स का प्रेजेंट भी एक तरीके से यहाँ पे शो किया है। देखने में काफ़ी सुंदर और ब्यूटीफुल स्टैचूज है, बहुत ही लाजवाब है। फ्रेंड्स, ये रतलाम जंक्शन का फ्रंट है और यहाँ पे आपको एक बड़ी सी क्लॉक देखने को भी मिलेगी। तो पास ही में आपको कंप्यूटर रिजर्वेशन ऑफिस भी मिल जाएगा, आप यहाँ से किसी भी ट्रेन का टिकट ले सकते हैं। बट अभी ये क्लोज है क्योंकि इसका जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 8 AM से लेकर इवनिंग 8 PM तक रहता है, इस बीच आप कभी भी टिकट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये 1 और 2 प्लेटफॉर्म नंबर जाने का एंट्री गेट है, तो यहाँ से आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की ओर जा सकते हैं। आपको यहाँ पे अनरिजर्व बुकिंग विंडो भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से लोकल ट्रेनों का लोकल टिकट बुक करना चाहते हैं तो आसानी से आप यहाँ से लोकल टिकट बुक कर सकते हैं। जनरली जो लोकल ट्रेन है वो इंदौर और जयपुर के बीच में चलती है, तो अगर आप इंदौर या जयपुर के बीच में ट्रेवल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फूड स्टोर भी मिल जाएगा, अगर आप फूड परचेज करना चाहते हैं तो फूड भी ले सकते हैं। तब चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुके हैं, यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 दिख रहा है। और यहाँ से आप किसी भी लोकल ट्रेन में अगर ट्रेवल करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको लोकल ट्रेन आसानी से मिल जाता है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 का व्यू है, यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले बोर्ड दिखेगा। अगर यहाँ पे आप किसी ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस डिस्प्ले बोर्ड से आप पता कर सकते हैं। यहाँ से आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ भी जा सकते हैं।